किसे स्टॉक कर रहे थे? आज मेरे साथ हैं सारा अली खान, जिनकी नई मूवी मर्डर मुबारक नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो रही है और उसी सिलसिले में हम इनसे बातचीत करेंगे। सो हाय सारा। हेलो। बहुत सारा मुबारकबाद आपको। थैंक यू। ऐसा लगता नहीं है कि 5 साल हो गए। 2.5 years जो हम लॉकडाउन में थे, ऐसा लगा कि चीजें थम सी गई, रुक सा गया सब। उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ ऐसा लगता था कि दोबारा शुरू होगा नहीं होगा, कैसे करेंगे, डेब्यू दोबारा से तो नहीं हो जाएगा? लगता तो बहुत था क्योंकि इतना अलग हो गया था सब। और ओवरनाइट मुझे याद है, मैं अतरंगी की शूट कर रही थी, 21 मार्च को लॉकडाउन लगा, 20 मार्च को एक होली सीक्वेंस शूट कर रहे थे हम लोग, इतने लोग, इतना शोर शराबा, एवरीथिंग, नेक्स्ट डे साइलेंट, सब एकदम रुक सा गया। तो बस उस बात का लग रहा था कि वो एक्सपीरियंसेस नहीं मिल पा रहे हैं। एक जो सेट पर जाकर सीखना, लोगों से मिलना जुलना, अलग अलग अनुभव, वो सब रुक गया था। जो एज एन एक्टर बहुत जरूरी है, एज एन एक्टर बहुत जरूरी है। जैसे आई एम नॉट फॉर्मली ट्रेन्ड, तो मॉम हमेशा कहती है दैट इट्स अ करत करत अभ्यास, यू लर्न ऑन द जॉब, बट व्हेन यू आर नॉट लीविंग द हाउस फॉर सो लॉन्ग दैट गेट्स ट्रिकी। मुझे जनरली ऐसा लगा था दैट इट टुक सम स्टेप्स बैक, बट इन 5 सालों में क्या डिफरेंस है ऐसा कि एज एन एक्टर आपको लगे कि मैंने ये सीख लिया है या फिर मैं अब इस लेवल पे पहुंच गई हूं कि उस दिन से अब बेटर हूं या फिर और मुझे कुछ सीखना है? क्या थॉट प्रोसेस क्या सेट पे आने का? आई थिंक एज एन एक्टर आपको हमेशा कुछ सीखना है, बट मुझे लगता है कि हाउ टू अनलर्न, जो हमने सीखा है उसको नया कैसे बनाना। क्योंकि हर बार जब आप सेट पर जाते हैं, आपको अपने सीन को ऐसे अप्रोच करना है कि आपने पहली बार पढ़ा है, तो कैसे जो आप जानते हो या जो आप समझते हो या जो आपको लगता है आप समझते हो, उसे भूलकर बस एक नया अप्रोच अपनाने की कोशिश करो, तो वो सीखने की कोशिश है। आप नॉर्मल लाइफ में इतनी हिंदी बोलते हो? अगर आप हिंदी में बोलेंगे, हम हिंदी में बोलेंगे। इतनी हिंदी मुझे भी नहीं, मतलब इतनी शुद्ध में बोलने की आदत नहीं। मर्डर मुबारक में स्पेशली, अगर आपने 5 साल में आप करत करत अभ्यास, कत्ल मुबारक, 5 साल में जो आपने सीखा है उसमें क्या, इस मूवी में क्या अलग लगा के सीखा है? मुझे लगता है होमी सर का जो तरीका है वो बहुत अलग है। उनकी जो दुनिया है पूरी फिल्म में, जो उन्होंने एक पूरी दुनिया रचाई हुई है, वो बहुत अलग है। ये जो मैं अनलर्निंग का आपको बता रही थी, यही से कहीं ना कहीं शुरू हुआ है। क्योंकि होमी सब बहुत बोलते थे दैट नो व्हाट यू वांट टू से एंड देन फॉरगेट द रेस्ट। हर टेक में, यू नो, वर्किंग विद पंकज सर, वर्किंग विद विजय, दे आर ऑल एक्टर्स आई फील दैट आर वेरी वेरी नेचुरल, वेरी वेरी स्पॉन्टेनियस, और उनका हर टेक अलग होता है। ये बहुत सालों से मुझे लोग बोलते आए हैं, यू नो, दैट एक्टिंग इज रिएक्टिंग, एक्टिंग इज रिएक्टिंग। हम बहुत सुनते हैं ये बात, पर जब कैमरा इन्वॉल्व हो जाता है, जब आपके नर्व्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, यू कैन वॉन्ट टू गो टू द रिहर्स्ड सेफ जोन, बट टू ओवरकम दैट एंड ट्रस्ट योर सेल्फ एंड बी इन द मोमेंट, कि उस मोमेंट पर जिस तरह विजय बोलेंगे उसका असर मेरे बोलने पर पड़ना चाहिए। तो अगर आप, यू नो, बस लाइनों का मतलब समझोगे, ना कि कैसे बोलना है, कब बोलना है, तो वो थोड़ा फ्लो हो जाएगा अलग से। इतनी तगड़ी स्टार कास्ट अगर है, आपको दिख रहा है, कुछ ऐसा लगता है कि ये थोड़ी स्पेशल है? डेफिनेटली स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग चीज़ ये थी कि होमी सर ने कैसे इन दिग्गज दिग्गज कलाकारों से इतने अलग अलग किरदार निभवाए। इस निभाए वर्ड निभाए आई डोंट नो निभाए 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 ना उन्होंने निभाया निभा दिए तो निभाए हो जाएगा निभाए हो जाएगा आई डोंट नो बट ये तो ऐड कर लो यार आज से ओके फ्रॉम टुडे निभाए। आई थिंक वो सबसे एक्साइटिंग चीज थी मेरे लिए कि कैसे अलग-अलग फ्लेवर्स इन कैरेक्टरों ने दिया। क्या बोलूं मैं? मत बोलो, आगे मत बोलो, गड़बड़ हो जाएगा। और ऐसा कैसे लगता है घर में सब एक्टर्स हों और उसके बाद कभी किसी सीन में लगता है किसी से बात करते हो कि? हाँ, मेरे फादर के साथ कभी कभार बात करना अच्छा लगता है। जैसे वो बोलते हैं कि हर सीन को करने के 5 तरीके होते हैं, कोई भी सही नहीं होता, कोई भी गलत नहीं होता। उस मोमेंट में जो आपको फील हो उस पर जाओ। आई थिंक बोथ माई मदर एंड माई फादर आर वेरी स्पॉन्टेनियस एक्टर्स। उन दोनों का यही कहना है कि आप अपने निर्देशक की बात सुनो, एग्जैक्टली डायरेक्टर, अपने दिल की बात सुनो, अपने इंस्टिंक्ट की बात सुनो और फिर लेट इट फ्लो। डिंपल मैम के साथ काम करके कैसा लगा? बहुत ज्यादा अच्छा लगा, थोड़ा सा अजीब भी था because Dimple Auntie and Mom are very close. हाँ, मैं वही वही पूछने वाला था। तो like there was the whole Dimple Auntie to Dimple Ma'am transition that I really tried. Dimple Auntie Ma'am के साथ काफी time spend कर चुकी हूँ। Set पर it was different. It was different, I think. But
होमी सर ने जो वातावरण वातावरण क्रिएट किया था सेट पर, वो ऐसा था कि कहीं ना कहीं हम सब अपने किरदारों की तरह ही बिहेव करने लग गए थे. तो नॉट लाइक स्ट्रेंज मेथड एक्टिंग, नॉट दैट दैट स्ट्रेंज, बट इट वाजंट दैट दैट काइंड ऑफ वाइब. वो एक एनर्जी सी थी. तो जैसे मैं भी थोड़ी बैम्बी बन गई थी, डिम्पल आंटी भी थोड़ी कुकी आंटी बन गई थी. तो आई थिंक इट वाज मोर अबाउट लाइक व्हेन वी वर ऑन सेट ट्राइंग टू स्टे मोर ऑनेस्ट एंड ट्रू टू द वर्ड्स ऑफ आवर कैरेक्टर देन एनीथिंग एल्स. शी इज़ वन ऑफ दोज एक्टर्स दैट रियली ऑल्सो लव्स हर वर्क. शी रियली वॉन्ट्स टू डू सो वेल. मतलब बिफोर शी इज़ ऑल्सो नर्वस. जस्ट इमेजिन, मतलब आप मुझसे पूछ रहे हो 5/2.5 ईयर्स में मैंने क्या सीखा है. मतलब डिम्पल मैम इज बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, बट स्टिल बिफोर अ टेक शी इज लाइक नर्वस. शी लास्ट होमी अच्छा था, ठीक था ना, एक और करूँ एक और नहीं करूँ. बट दैट्स व्हाट एन एक्टर शुड बी आई फील लाइक, ऑलवेज वॉन्टिंग टू लर्न एंड ऑलवेज वॉन्टिंग टू डू बेटर. यू नो, सीइंग डिम्पल आंटी डू दैट इज लाइक wow. I mean, if this mega star can be that person, what the hell are we even thinking about? Netflix pe pehli baar ho rahi na, OTT pehla wo hai. Just want to ask, as an actor, aapko kya lagta hai ki isme zyada scope hai? Netflix ke zariye se main ek nahi but bahut deshon tak pahunch sakti hu. To ye ek achhi cheez hai, ek exciting cheez hai, that as on a streaming platform like Netflix, I am reaching many 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 homes. But iska matlab ye nahi hota hai ki प्रेशर कम होता है. एंड रिमोट है, बंद भी कर सकते हैं अगर अच्छा नहीं लगे. ऐसा नहीं है दैट यू नो. सो आई थिंक दैट यू जस्ट नीड टू डू योर वर्क ऑनेस्टली एंड द रेस्ट इज नॉट रियली इन योर हैंड्स. बाकी अभी तक जितनी मूवीज की उसमें क्या बेस्ट सेट आपको, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट जो भी आपकी बेस्ट मेमोरी है कि हाँ ये चीज मुझे शूट करके मजा आया, इस कैरेक्टर को शूट करके मजा आया, कुछ भी जो आप कभी बैठ के सोचते हो कि हाँ. मेरी हमेशा यही कोशिश रही है, यही उम्मीद रही है कि मुझे अलग अलग किरदार निभाने का मौका मिले. जैसे मर्डर मुबारक में मैं एक दिल्ली की लड़की हूँ, मॉडर्न लड़की है, प्रिविलेज दुनिया से आती है. मतलब सारा अली खान. लेकिन सारा अली खान ऐसी नहीं है. प्लीज मत काटना, सही बात है क्योंकि मैं प्रिविलेज दुनिया से आती हूँ, ये बात सही है. ठीक है, लेकिन मैं अपने प्रिविलेज को बैम्बी की तरह नहीं पहनती हूँ. मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि मैं एक प्रिविलेज फैमिली से नहीं आती हूँ, मेरी बहुत प्रिविलेज फैमिली से आती हूँ. लेकिन आई थिंक एज फार एज एक्सपीरियंसेस आर कंसर्न, देयर इज मोर एक्सपीरियंसेस दैट सारा हैज देन मे बी बैम्बी हैज. मैं अपनी मॉम के साथ, सिंगल मॉम के साथ रही हूँ. मेरे फ्रेंड्स जो हैं मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, मेरे इंटरेस्ट्स अलग होते हैं. मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, लेकिन एक लाइफ में एक संतुलन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये काम है और ये काम से अलग मेरी एक दुनिया भी है. बैम्बी ऑन द अदर हैंड इज वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट हर प्रिविलेज, क्योंकि शी डजंट नो एनी बेटर. दृष्टिकोण अलग है हम दोनों. दृष्टिकोण, नजरिया, नजरिया, पर्सपेक्टिव, व्हिचएवर लैंग्वेज यू लाइक. सो आई थिंक दैट इज द ट्रिक एंड द एक्साइटमेंट एंड द जॉय ऑफ द जॉब. आपने जो बोला कि जो आप साइमल्टेनियसली अपनी लाइफ में जो मेंटेन कर रहे हो बैलेंस, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आप बोल रहे हो स्कूल के फ्रेंड्स हैं, तो ऐसा होता है कि जो स्कूल के दोस्त हैं, जो कॉलेज के दोस्त हैं, वो आपको वहीं रखते हैं जहां रखना चाहिए. एग्जैक्टली वहीं रखते हैं. बस ये बेस्ट दोस्त. एग्जैक्टली वहीं रखते हैं. आई थिंक दैट एज एक्टर्स आई डेफिनेटली फील दैट वी लिव अ वेरी प्रिविलेज लाइफ. कि लोग आपको जानते हैं, वो प्यार ही एक प्रिविलेज होता है. तो अगर मैं एक फ्लाइट लेके जाऊंगी और एयरपोर्ट पे मुझे एयर होस्टेस पहचान लेगी, वो मुझे देखकर स्माइल करेंगे, शायद कोई मेरे को फ्री बिस्किट दे देगा. व्हेन आई एम विद माय स्कूल फ्रेंड्स आई डोंट हैव दिस प्रिविलेज. I don't get the extra biscuit because oh chakachak gana bahut hit ho gaya. Ha exactly. Koi farak nahi padta. Ha tum nacho chakachak pe nacho, tum nadiyon paar pe nacho, tum ananya ke gaaron pe nacho, tum kisi ke bhi gaane pe nacho, hame koi farak nahi padta. Koi farak nahi padta. That feeling is very nice. जहाँ कहीं भी है, थैंक यू सो मच इन्हें वो सब बताने के लिए, रियल रखने के लिए, रियल रखने के लिए थैंक यू सो मच. मैं बोलना, एक्चुअली मैंने एक इंटरव्यू दिया था और मैंने बोल दिया था उस इंटरव्यू में, यू नो, जानवी, अनन्या एंड राधिका, दे अंडरस्टैंड मी मे बी बेटर बिकॉज दे आर गए. आप गए एंड उसी वक्त हम गोवा में थे. और यार मेरे तो, डू दे रियली, आई वाज लाइक गाइस दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट, आई जस्ट मेंट दे अंडरस्टैंड द जॉब एंड दे वर लाइक दैट्स नॉट व्हाट यू सेड. So here I'm saying that I love all my school friends the most in the world and you guys understand me better than anyone. Radhika, Ananya and Janvi. But they are, everybody understands each other differently, but I think yeah, school friends are family and that's great to have. मैंने जितना आपका Instagram वो देखा है कि you're fun loving और chill माने हो, तो वो कोई pressure है कि अगर serious role करोगे तो उसमें कुछ change आएगा Instagram, उसमें कैसे manage, कैसे होता है सब कुछ? मैं honestly इसको ज़्यादा seriously नहीं लेती हूँ. मैं कोशिश करती हूँ to use Instagram for fun and उम्मीद करती हूँ कि लोग समझें that this is fun सारा, this is work सारा and they are different सारा. हाँ, शायद
लेकिन लोगों का परसेप्शन होता है दैट ओ हंसी मजाक करते हैं तो काम को लेकर सीरियस नहीं होते हैं. ऐसा होता नहीं है. मतलब यू शुड बी एबल टू कंपार्टमेंटलाइज. जस्ट बिकॉज यू कैन हैव फन डजंट मीन यू डोंट टेक योर वर्क सीरियसली. आपको ऐसा लगता है सोशल मीडिया से आपकी जनरेशन के एक्टर्स को कुछ अलग से बेनिफिट हुआ है? आई डेफिनेटली थिंक सो. सोशल मीडिया की वजह से ऑब्वियसली एक जो रीच होती है वो ज्यादा बड़ी हो जाती है. गाने वायरल हो जाते हैं जैसे तेरे वास्ते गाना. लोग एयरपोर्ट पे जाकर फिल्म देखी है या नहीं देखी है वो भी नहीं पता, लेकिन अरे वो चांद सितारा वाला गाना आपका है ना, वो आंख मारे वाली दीदी. तो यू नो आई थिंक नो ऑनेस्टली एक्चुअली मैं सच बताऊं मुझे बोलना नहीं था, लेकिन वो आंख मारे वाली आंटी बोलते थे तो छोटे छोटे बच्चे, लेकिन मैंने दीदी बना दिया अपने मन में. लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो एक रीच डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ती है सोशल मीडिया की वजह से. किन किन बातों की अवेयरनेस भी सोशल मीडिया के जरिए से ज़्यादा बढ़ सकती हैं, जैसे जब मैंने पहली बार PCOS का जिक्र किया तो मुझे लगता है बहुत लड़कियों को इसका बेनिफिट हुआ और उन्होंने बोला ओ सारा टॉकिंग अबाउट PCOS PCOD वी ऑल्सो हैव दिस सिंड्रोम. You can use your social platform to normalize talking about few things, important societal issues. आपके ऊपर ही है यार. अभी क्या लोग बोलते हैं that do you believe in social media? Do you like social media? अब change तो नहीं हो जाएगा माहौल. वापस वो आदम के ज़माने में हम जा नहीं सकते. जहाँ है उसको ही अपनाना है. पर आपको compartmentalize करना ज़रूरी होता है मुझे लगता है. So, अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हम सारा से पूछेंगे एंड सारा विल बी टेलिंग अस कि वो सही है गलत है. वो डिनाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो आपके मन में. ठीक है. सारा अली खान हैज अ सीक्रेट इंस्टाग्राम अकाउंट? नॉट एनीमोर. पहले था. क्या करते थे? बस ऐसे ही स्टॉक करती थी, फिर लगा ऐसे ही स्टॉक कर सकती है, क्या फर्क पड़ता है. डायरेक्टली अपने अकाउंट से करते. एग्जैक्टली. हां, किसे स्टॉक कर रहे थे? तब की बात. सारा अली खान वाज ऑलमोस्ट सस्पेंडेड फ्रॉम स्कूल. ऑलमोस्ट क्या होता है? तो सब होते ही है उनके. ऑलमोस्ट ये बात सही है. क्या? फिर मैंने बोला सॉरी. मैंने यार फेविकोल फैन पर फेंक दिया था और पूरा क्लास मैस हो गया, तो मुझे ऑलमोस्ट सस्पेंड कर दिया गया. फिर मैंने बहुत सॉरी बोली. मम्मी किसी को बताया? वही तो डर था कि उन्हें पता चल जाएगा. और मॉम को बहुत हमेशा था कि आई डोंट केयर तुम्हें ग्रेड्स मिले या ग्रेड्स ना मिले, योर बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट टू मी. और वहाँ पे मैं हमेशा मार खाती थी कि ग्रेड्स हमेशा ठीक थे, बिहेवियर का अभी तक लोचा है. दिमाग में आया क्योंकि फेविकोल मार दूंगी. अरे पता नहीं यार, वो डिस्ट्रक्टिव स्ट्रीक थी मुझ में. थी एम्फेसिस ऑन थी, व्हिच इज नॉट ट्रू. है बट अभी मार नहीं थी फेविकोल किसी पर. और कर लो आधा घंटा शूट, कॉफी पैक के मार देंगे. सारा अली खान डजंट हैव अ सिंगल पेयर ऑफ डिजाइनर क्लोथिंग इन अ वार्डरोब. आई हैव अ बैलेंसियागो स्वेटर येलो कलर विद एन एक्स ऑन इट. दैट्स ओनली. आई हैव सम अबुजानी संदीप खोस्टा एंड मनीष मल्होत्रा क्लोथ्स. ओके. but I have bags and shoes, honestly. I'll be honest. This is ka shock hai. Bags and shoes we have. Ek shock to hona chahiye na, matlab aage to dekhi jayegi. Ha, do ho gaye to bahut. Ha, bas bahut. Sara Ali Khan thinks her brother Ibrahim Ali Khan will be a better actor than her. I think so. Ha, bas isme itna hi karna tha. Sara Ali Khan is tired of talking about her weight loss. You know, honestly, I'm not tired because aisa nahi hai ki tha. It's an ongoing process. Toh hame shakal nahi padega. Toh hota rehta hai aur baat karna achha hi lagta rehta hai. Karna bhi padega na baar baar, kyunki aap regularly to soch hi rahe ho na is bare mein ki main khana nahi kha pa raha hu, to ye kar rahe hain to mehnat kar rahe hain to bhai baar baar bolna padega. To never tired of this. Yes. Somewhere down the line, Sara Ali Khan wants to join politics. Yeah, she does. Really? Yeah. Nice. How do you know this? Netflix is They're actually researching. Nice. Yeah. Sara Ali Khan and Janhvi Kapoor are best friends. क्यों हम लड़ाई नहीं करा रहे हैं और किसी भी दोस्तों की? ठीक है, वो हम discuss कर चुके हैं. I wouldn't say best friends. Radhika. No, but she's a good friend of mine. Okay, good friend पे रख लेते हैं. ठीक है, Janhvi good friend में आ गया. देख लो. अरे यार. ये तो शेरो शायरी तुमने करी थी इंटरनेट पे, कहा किसका आइडिया था, किसने पहली बार बोला कि अच्छा है ये? मैं कूली का सेट के सेट पर थी और वरुण ने बोला हाँ इट्स फनी. करना कुछ मर्डर मुबारक के बारे में कुछ करो. मर्डर मुबारक इज द बेस्ट, नो शक. देखना है सबका हक, रिमोट अपने पास रख. व्हाट द डक. या नाइस, मुझसे गलती हुई, मैंने शुरू किया ये. अच्छा था लेकिन, ठीक है, पांच लाइन बना दी ना. हां नाइस. ओके, थैंक यू सो मच सारा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस शो. की जो भी मूवी आ रही है मर्डर मुबारक, क्यों आप चाहते हो कि लोग इसे देखें, आप इस कैमरा में लोगों को बता सकते हैं? मैं बस ये बोलूंगी मर्डर मुबारक इज अ वेरी फन वॉच. हु डजंट लाइक अ गुड हु डन इट. आपको पता नहीं चलेगा किलर कौन है. होमी सर की दुनिया हमेशा अलग होती है. हमारा स्टार कास्ट बहुत अनोखा है. इट्स अ फन फिल्म गाइस, वॉच इट, यू विल हैव फन. मर्डर मुबारक नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो रही है, जल्दी से जाके देखिए.